नमस्कार। नुआ सकाळ रे सबु चासी भाई भणी मानकु अन्नदाता एक नूतन अध्याय को मु बंदिता स्वागत करूछि। धान चास पय बिहन चयन दर्शक बंधु, धान हेउछि ओडिसा रो मुख्य फसल। वर्तमान खरीफ ऋतु आरंभ होई जायछि। चासी माने बिहन पल्ला पकाइबा पय बाजार रु बिहन संग्रह करूछन्ति। चासी माने जमीरे बिहन पकाइबा पूर्वरु केउं किसमर बिहन चयन करिवे सेहि विषयरे संबलपुर जिल्लार बिहन प्रामाणिक अधिकारी शिशिर कुमार पाणिग्राही कोण मझियाली जमी जोडाक अछि सेथिपई हमर मीडियम ड्यूरेशन भेरायटी बा जोटा हमर मझी किसम मझियाली किसम कहुछु आमे से धान उडाक मध्यरे आपणकर बहुत गुडाए धान तो आपणमानकर पुरणा धान सब आपण जानिथिबे जेमती ललाट थिला आयर 64 थिला ए धान उडाक मध्य बहुत पुरणा होगलाणी बर्तमान तो 1156 1153 भी पुरणा होगलाणी तापर आहुरी गुडाए धान एबे मार्केट को आसीगलाणी जोटा कि आपण चाष करि पारिबे तेणु से धान गुडाकर ड्यूरेशन गुडाक सब होउछि 120 रु 135 दिन भितर तेणु 110 पर जी धान आसो 110 ड्यूरेशन रु 135 भितर सब जाक आप मजाड़ी किसम जमी जोटा अच्छी खाल जमी ही नथिबो कि ढीप जमी ही नथिबो सेही जमी रे आपण चाष करि पारिबे तेणु ता एबे आमे ता भितर टिके आलोचना करिबा को भेरायटी आमे सेथरे करि पारिबा तेणु आम जो मझियाली किसम मुझे आपंकर जोटा आली आली भेरायटी मध्यरे मीडियम भेरायटी भितर मध्य दुई प्रकार गोटे आली मीडियम गोटे लेट मीडियम जोटा आपंकर 120 रु 125 दिन भितर रोचे ताको आमे कहूँ आली मीडियम आउ जो गुड़ाक 130-135 ड्यूरेशन रान रोचे ताको आमे कहूँ लेट मीडियम तेणु आपंकर पानी जो जमीन केते रोचे देखिकी से हिसाब से आपण मैंने व्यवस्था करेंगे जो आपंकर आली मीडियम भितर होगी आपंकर 1156 1153 जोटा कि तरंगिणी आउ चंद्रा आम कौ एगुड़ाक सब 115-125 दिन भितर आदा होता बाहर अच्छी बीणा धान 11 आपणकर नुआ भेरायटी भितर सीआर धान 310 सीआर धान 311 एगुड़ाक सबूक 120-125 दिन मध्य आदा होता है यार अमल शक्ति अधिक से लेट मीडियम जोटा आम कौ जोटा 130-135 दिनिया धान अच्छी ताद्वर अच्छी सीआर धान 308 सीआर धान 312 आपर सीआर धान 315 से भितर सीआर धान 800 टिके लेट 140 दिनिया एटा एक्चुअली लेट रे जमी रे आमर जोटा खाल जमी रे मध्य कले हेबो स्वर्ण मसूरी बोली कहउछन्ते ए धानटा को सेमती आमर गोटे ओयोटी रिलीज भेरायटी अछि गोविंदा जोटा कि 130 दिन नुआ भेरायटी बहुत लोक जानिनाहांती सेटा जदि आपण पाइले भी चाष करि पारिबे ता बाहर आपण दुईटा भेरायटी जोटा पुरणा भेरायटी थिला आईआर 64 आउ ललाट एबे सेटा कोन होइछि ना आईआर 64 सबुआन ना रे रिलीज होइछि आ गोटे ललाटा इम्प्रूव ललाट ना रे रिलीज होइछि तेणु पुरणा आईआर 64 ललाट चाष न करी ए जो आईआर 64 सबुआन रे कौन ना सबुआन जीनटा आपणकर इनसर्ट करके भेरायटीटा बाहर कराई जहाद्वारा ए रोग बेस लगे ना तेणु आईआर 64 सबुआन को चाष करें ललाट इम्प्रूवड चाष करें ये धान गुड़ाक सबूक 130-135 दिन किसम गुड़ाक सब जो सीआर धान गुड़ाक कहली आपन को आउ थे कहीदे सीआर धान 308 सीआर धान 312 सीआर धान 315 ये जो भेरायटी गुड़ाक अच्छी एगुड़ाक हूँ समस्त डिजीज रेजिस्टेंस आउ पेस्ट रेजिस्टेंट माने डिजीज आउ इनसेक्ट रेजिस्टेंट दुईटा जाक रही प्लस एमाने एक्सट्रीम क्लाइमेट को मध्य एमाने सही पारुछंती तेणु ये धान गुड़ाक आपणकर चाष जमी में थे कर देखु जदि आपणकर भल चाष है या कंटिन्यू करेंगे कितु आम जिते प्रकार देखाई जो भी गवर्नमेंट फार्मस जो चाषी भाई मैंने ये किसम गुड़ाक चाष कर सबू जगार एगुड़ाक भल परफर्मान्स तेणु पुराणा किसम गुड़ाक छाड़ी बर्तमान नुआ किसम गुड़ाक कर समय आसीगला तेणु मोर चाषी भाई मान अनुरोध मुझे किसम गुड़ाक कहि ताकू मन रखु मन रखिकी से हिसाब से बिहन धान को आप चयन करूँ जहाद्वारा आप लाभवान हो पारे बर्तमान आम खाल जमी रे जो किसम गुड़ाक आमर उपयुक्त से गुड़ाक आम आलोचना करवा आमर एक्चुअली साधारणतः स्वर्ण धानटा बहुत आदृत चाषी मान भितर किंतु स्वर्ण धान एक्चुअली रिलीज होमर 1982 मसीह माने चिंता करूँ आप 40 वर्ष होगा से धानटा आम जदि से धान को बारंबार चाष करवा तेल तार एक्चुअली अमल क्षमता कमीगला ताद्वारा ता सेथिरे रोग पक मध्य बेसी लागिले तेणु बर्तमान स्वर्ण भेरायटी को रिप्लेस करने बहुत गुड़े भल भेरायटी आमर सब मार्केट को आसीगला जमी आप एमटीयू से मारुतरी यूनिवर्सिटी डेवलप होती आप रिसर्च स्टेशन मारुतरी से आम एमटीयू 7029 थी स्वर्णटा Thank you.
एबे गोटिए छोटिया बिरतीर समय बिरती परे रहिछि बिरती परे आपनकु पुनि थरे स्वागत दर्शक बंधु कंद जातीय जेते सब फसल रहिछि सेगुडीक मध्यरु सारु खंब आळु कंदमूलर चाहिदा आम राज्यरे अधिक अछि ताहले चासीकु चाष आरंभरु ही उन्नत चाष ज्ञान कौशल प्रति दृष्टि देबा आवश्यक जमितिकि उन्नत किसम चयन सठिक भावे जमी प्रस्तुति उन्नत लगाइबा प्रणाली एवं तापरे सठिक फसल परिचालना जो चाषी भाई माने सारु चाष आरंभ करिबाकु जाउछन्ती से माने केउ केउ दिग प्रति ध्यान देबा आवश्यक से विषय रे आसंत जानिबा जेतेबेले मुख्य जमी रे आमे लगेइबा सेतेबेले सारु गुडीकु इडो सारु गुडीकु साधारणत 60 सेंटीमीटर धाड़ी धाड़ी मध्यरे एवं गछ गछ मध्यरे 45 सेंटीमीटर रखिबा निहाती भाबरे आवश्यक होइथाय जदि दसिन सारु चाष करिबे ताहाले 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर गात खोली एवं धाड़ी धाड़ी मध्यरे 60 सेंटीमीटर लगे आपण दसिन सारु को मुख्य जमी रे रोपण करिबे तापरे आसीबा जे किपरि भाबरे आमे खत सार परिचालना करिबा जेतेबेले खत सार कथा आसे साधारणतः आमे जबक्षार जन पटास एवं फसफरस कथा विचार करथाउ आउ अनुसार मध्य किछि दबाकु आवश्यक होइथाय आम ओडिसा रे प्राय क्षुद्र नामांकन चासी अछन्ते जो माने कि गुंठे दिगुंठे तीन गुंठे एपर कि 4-5 गुंठ रे करिथान्ते तेणु जेतेबेले खत सार कथा आमे विचार करिबा साधारणतः आमे देखिबा जे गोटे गुंठ को आमर 2-2.5 केजी डीएपी दरकार होइथाय 2 केजी यूरिया सार दरकार होइथाय एवं 3 केजी पटास सार आवश्यक होइथाय जेतेबेले मुख्य जमी आपण चाष करिबे से सोड चाष समय रे हेक्टर प्रति 10-15 टन गोबर सडा गोबर खत भल भाबरे जमी रे मिसै देबे एवं ता परे कोन करिबे ना गुंठ प्रति आमे सबुजाक डीएपी सार जो 2.5 कहली बा 2.5 केजी डीएपी सार समुदाय दे देबे एवं पटास सार गोटे केजी गुंठ प्रति आपण जेतेबेले मुख्य जमी चाष करिबे शेष गोड़ चाष समय जमीर देदेवे तापर सारु लगेबार 15 दिन गजा हबार 15 दिन पर जतक आमर यूरिया सार गुंठ प्रति गोटे केजी एवं पटास सार मध्य गुंठ प्रति गोटे केजी देबे तापर 30 दिन पर आउ गोटे केजी यूरिया सार एवं आउ गोटे केजी पटास सार निहाती भावरे आवश्यक होइथाय साधारणतः अनुसार एते दरकार हे नथाय तथापि जदि अनुसार दरकार होइथाय ताहाले गोटे लिटर पानी रे मिश्रित अनुसार को 3 ग्राम मिसाई आपण ताको सिंचन करिपारिबे बर्तन आसीबा जे अंतकर्षण बा आमे किपरि इंटरकल्चरल ऑपरेशन करिबा सारु गजा हबार 21 दिन परे प्रथम कोड़ा खोसा करी माटी को भल भावरे गुंड करी सार दे हुड़ा टेकी देबा आवश्यक एवं द्वितीय थर 30 दिन परे आपण पुणी थरे घास बाछी माटी को कोड़ा खोसा करी सार दे हुड़ा टेकी देबे तापरे आसीबा आमे जलसेचन साधारणतः आमे जदि बर्षा दिने करिथाउ ताहाले जलसेचनर आवश्यकता हेइ नथाय जदि जलसेचन आपण करूथिबे बा जो बर्षा दिने न लगे साधारणतः आमर इडो सार लगेबार टाइम होउछि आमर फेब्रुवारी मार्च जदि फेब्रुवारी मार्च रे आपण लगेथिबे ताहाले जलसेचन आपण प्रति 4-5 दिन थरे करिबे एवं जदि सीधा सड़क आपण पुआ को लगे थे मुख्य जमीर ताहले आपण को प्रतिदिन जलसेचन करने को पड़ता है आसवा आम रोग पोक समस्या साधारणतः आमर सारु रे सम्बाळिया लगी था पत्रखिया पोक लगी था पत्रकटा पोक लगी था ये पोक दाऊ फसल को रक्षा करने को हेले आम गोटे लिटर पानी क्लोरोपाइरिफस 2 ग्राम किंबा प्रोफेनोफस जदि लिक्विड ताहले 2 ml पकेबे 2 ml पकेबे जदि पाउडर फॉर्म रे थिबो ताहले 2 ग्राम आपण पकाई छिंचन करि परिबे रोग मध्य रे प्रमुख रोग होची आपणकर पत्रपोड़ा रोग साधारणतः पत्रपोड़ा रोग जोगु सारु फसल प्राय 50% नष्ट हो जाइथांति एई पत्रपोड़ा पोकरु रक्षा करबाकु हेले आपणकु गोटे लिटर पानी रे रिडोमिल MZ 2.5 ग्राम किंबा डिथेनेम 45 2.5 ग्राम किंबा
कपर ऑक्सीक्लोराइड गोटे लिटर पानी रे 2 ग्राम मिसई फल भाबरे 2 3 थर जदि आपण सिंचन करिवे ताहाले एई रोग को आपण दमन करि परिवे एई परि भाबरे जदि वैज्ञानिक उपाय रे आपण सारु चास करि परिवे निश्चित भाबरे लाभ होई परिवो तन अमल विषय रे फसल अमल विषय रे आलोचना करिवा जदि वैज्ञानिक उपाय रे आमे सारु चास करिवा ताहाले किछि न हले गोटे हेक्टर जमीरु आपण 200 रु 200 क्विंटल पर्यंत अमल पाई परिवे बर्तमान लाभ क्षतिर हिसाब करिवा जे गोटे हेक्टर सारु चास पई आमर चासी भाई माने प्राय 40 रु 50 हजार टंका खर्च करिथांती एवं जदि लाभजनक उपाय रे करिवे वैज्ञानिक उपाय रे करिवे भलो किसम व्यवहार करिवे ताहाले एई खर्च को बाई आपण गोटे हेक्टर प्राय 70 रु 80 हजार टंका पर्यंत लाभ पाई पारे। एबे गोटिए छोटिया विरतीर समय विरती परे रहिछि विरती परे आपणको पुणी थरे स्वागत। डाली जातीय खाद्य रे श्वेतसार खाद्य अपेक्षा पुष्टिसार खाद्य अधिक परिमाण रे थाए एनु डाली को गरीब लोकर मांस बोली कहा जाए। डाली जातीय फसल रे विभिन्न प्रकार पोक मध्य लागि एहार क्षति करिथांती। ए पोक माने समस्त प्रकार डाली जातीय फसल को आक्रमण करी एहार प्रभुति क्षति घटांती। एपरी एक पोक हेउची छुई बिंधा पोक। ए पोकर परिचालना किपरी करा जाए से विषय रे आसंद जानिनबा। हरड़ आम जिलार आम जो ढेप जमी गुड़ा अच्छी से पखापाखी आम जिले में 15,000 हेक्टर चाष होता है। हरड़ अमल गोटे मुख्य असुविधा है से विभिन्न प्रकार आम कीट लगि जाती जहाँ अमल बहुत भारत बाधाप्राप्त होता है। कीट मान मधे मुख्य हूँ जौ पक तापर बाघुआ जो जोटा कि आम ब्लिस्टर बिटिल कौन फलविंदा कीट ये सब हूँ मुख्य पक से मधर फलविंदा कीट जो बेसी क्षतिग्रस्त होता है। कारण फलविंदा कीट जो आम प्रारंभिक अवस्था से पत्र गुड़ा खाई दिखती परवर्ती अवस्था कंलिया कांड फूल और फल को कणा कर खाई था जहाँ जो अमल आम 30 रु 40 भाग कमी जाए एणु ये कीट को परिचालना करवा निहाती भाव में जरूरी नचे आम अमल बहुत भाव क्षतिग्रस्त होता है। यही कीटर 4 अवस्था अच्छी अंडा शुक खोसा और वयस्क अंडा गुड़ा देखिए सामान्य हलदिया रंगर एवं यह आम पत्र 10 रु 15 मेचा मेचा हो पत्र पछपटे रही है। सेपरी शुक देखा आमर सबुज रंगर एवं शुक उपर धला और मटिया रंगर गार गुड़ रही है। शुक्र लंब पखापाखि 40 मिलीमीटर रही है। सेपरी आमर खोसा देखा आमर सब मटिया रंगर एवं खोसा साधारण आम पत्र उपरे नचे मटी में खोसा होता है। आयस्क प्रजापति देखा आगटेणा गुड़ आमर मटिया रंगर और पछटेणा गुड़ा धला रंगर रही है। आगटेणार आम गोटे भि रंगर चिन्ह रही है। यही 4 अवस्था मधुर आम शुक अवस्था ही फसल बेसी क्षति करें कारण शुक प्रथम पत्र कंलिया पत्र को खाई थाए और परवर्ती अवस्था यह तार कंलिया कांड ता छड़ा फूल और फल को नष्ट करते यही कीटर गोटे विशेषत है यह खाला बेले तार मुंडी फल रही है और देहर बाकी अंश बाहर रही है जहाँ जो आम सहजे जापर जे ये कीट आम लगी चिन्हाप यार यह हूँ ठीक सहज उपाय कारण कीटर मुंडी फल रही है और देहर बाकी अंश बाहर रही है। यही कीटर आमर अंडा अवस्था 3 रु 5 दिन एवं शुक अवस्था पखापाखि 13 रु 14 दिन एवं खोसा अवस्था 7 रु 10 दिन एवं वयस्क अवस्था 10 रु 15 दिन होता है। यहपरी यार जीवन काल पखापाखि 30 रु 45 दिन मध्य संपूर्ण होता है। जदि आम अधिक अवधि किसम चाष करवा यार वंशवृद्धि अधिक होता है और आक्रमण अधिक होता है। तेणु कम अवधि जदि किसम चाष करवा तेल आम यार आक्रमण बहुत भाव कमी थाए। यही कीट आमर हरड़ छड़ा अन्न्य फसल कौन करते सेतिबे आमे हड़ पाखापाखि जो जमी अच्छी से आमे जो घास गुड़ा अच्छी ताकू आमे भल भाव सफा करा उचित कारण हड़ चाष पर एगुड़ा से रही वंशवृद्धि करता छड़ा आम हुड़ार जदि मका लगेगा तालोले मैं से उपकारी पक्षी आस बस शुक गुड़ खाईदे और बाउंश कणी हेक्टर प्रति 50 आम जब बसवा तेल से पक्षी गुड़ा आस बसवे और पोकर शोक गुड़ा खाईदे जहाद्वारा आमर बहुत भाव आक्रमण कमिजी। यही कीट को परिचालना करेंगे प्रथम जिनस गभर खराटे चाष करा जहाद्वारा जो खोसा गुड़िया मटी रोच खोसा गुड़ा नष्ट एवं आमर बहुत भाव आक्रमण कमिजी कारण यही कीटर खोसा होटी मुख्यतः करें तेणु आम गभर खराटे चाष करा दरकार।
ସେହିପରି ଆମେ କୀଟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷକ ସଂଘ ଆକର୍ଷଣ ଯନ୍ତା ଯଦି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଆମେ 15 ବସିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆସି ବୟସ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ା ଆସି ପଡ଼ିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଜମିରେ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 5 ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପ୍ରଜାପତି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ଆକର୍ଷକ ସଂଘ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ନଚେତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପୋକ ଆମର ଲାଗୁଛି ଜମିରେ, ତାହେଲେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯଦି ପୋକ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆମେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କୀଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜୈବିକ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜୈବିକ ବିଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ ବିଷ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମର କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ବହୁତ ଭାବରେ କମିଯିବ, କାରଣ ନିମ୍ବ ଯେହେତୁ ପିତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ପୋକ ଆଉ ଗଛରେ ଲାଗିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଖୋସା ଏବଂ ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ ବିଷ ଯେଉଁଟାକି 1500 PPM ଆମେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଯଦି 1500 ml ସିଞ୍ଚନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହି କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ବହୁତ ଭାବରେ କମିପାରିବ। ସେହିପରି ଏହି କୀଟକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁଜନିତ ବିଷ ଆସୁଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି HANPP। ଏହି କୀଟକୁ ଆମେ ଯଦି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଆମେ 400 LE ଯଦି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଆମର ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବାର 3-4 ପରେ କୀଟ ଭିତରେ ଆମର ଭୂତାଣୁ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ କୀଟଟା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ତା'ର ଯେଉଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କମିଯିବ ଏବଂ ଗଛର ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ତା'ର ମୁଣ୍ଡଟା ଉପରୁ ରହିବ ଏବଂ ଦେହର ଅଂଶଟା ତଳକୁ ଝୁଲି ରହି ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯିବ ଏବଂ ଏହା ପୁରା ସଢ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ହୋଇଯିବ। ସେହି କୀଟ ମରିଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କୀଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଆମର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କୀଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏଣୁ ଏହା ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିହେବ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜୈବିକ ବିଷୟ ବାହାରିଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବେଟି, ବେସିଲସ୍ ଥୁରେଞ୍ଜିନିସିସ୍। ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ କୀଟକୁ ସହଜରେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା। ଏହି ଜୈବିକ ବିଷ ବିଟିକୁ ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 1 L ହିସାବରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଛୁଇଁବିନ୍ଧା କୀଟ ଅଛି ତାକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କଲାପରେ ଏହା ପତ୍ରରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଇଲା ପରେ ପେଟରେ ଏଥିରେ ତା'ର ଆଲ୍କାଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ପୋକର ସେଇଥିରେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜର୍ମିନେଟ୍ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବିଷ ବାହାରିଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋଟକ୍ସିନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋକ ଆମର କୀଟ ଦେହରେ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଜୈବିକ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି କେବଳ ଏହି କୀଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଉପକାରୀ କୀଟ ଗୁଡ଼ା ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମର 5% ଅଧିକା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ବିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ରାସାୟନିକ ବିଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡୋସାର୍ପ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 300 ml ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା, ନଚେତ ସ୍ପିନୋସାର୍ ଆମେ 160 ml ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା, ଏହାଛଡ଼ା ଲାମଡ଼ା ସିଆଲୋଥ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 1 L ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା। ଏହିସବୁ ଯେକୌଣସି କୀଟନାଶକ ଆମେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି 15 ଅନ୍ତରରେ 2 ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି କୀଟକୁ ଆମେ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକାରୀ କୀଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗିରିସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ରମାକାନ୍ତ ବିଶୋଇ, ସେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଜୈବିକ ଖତ ବା ଜିଆ ଖତର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୈବିକ ଖତର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଜିଆ ଖତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖତ। ଏ ଯେଉଁ ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଫସଲ ଅଧିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 60-90 ଭିତରେ ଜିଆ ଖତ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଜିଆ ଖତକୁ ଅମଳ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଆର ଅମଳ ସମୟ ଆସିଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଆ ଖତର ଉପରି ଭାଗଟା
चा पति भरी भुरभुरा हो जेतेबेले चा पति भली भुरभुरा हो जाउची आपण जानिबे जे जिया खत आमर अमल हवा पई समय आसी गलानी तो सेही समय रे आपण 3 रु 4 दिन पानी बंद कर देबे। पानी जेतेबेले आपण बंद कर देबे से समय रे जिया माने कोन करिवे तल स्तर को तांकर जो सज्जा रही जियार सज्जा जो रही से तल स्तर को से माने चली जिवे। तो सेही समय रे आपण कोन करिवे पानी टिकु बंद करी आपण उपरु ऊपर लेयर रु जो भुरभुरा हो जाइथिबा जिया खत हो जाइथिबा सब काढ़े जिया खत प्रस्तुति समय केते गुडे उपकरण लगी थाए जोटार कि व्यवहार निहाती भाव आवश्यकता रही जमती आपण जिया खत को अमल कर तो अमल कला आप जान लें जिया खत अमल स्टेज को पलि आसला चापति भाया भुरभुरा होगला आप गार्डेन जो अच्छी पंजाबी आम भाषा कह जाए से आपको सब टाणी आनीपर सब गोटे साइड को आपण हिप टाइप देउलिया भाव में गदेवाई आप जो उपकरण टी अच्छी व्यवहार करें ताद्वारा आपण गोटे कुंडर गोटे पटर आउ गोटे पट को आप जो गार्डेन रेक पंझा अच्छी से आप जिया खत को टाणी आनी गोटे जगार गदई पारे जितेबले पा दौंस से समय सब मन रखु झरा साबा उचित झरा द्वारा पा दे कौन हम पाटा ठीक भाव में सबु जगार पड़ो अधिका पड़ो ना कि कम पड़ो ना तेणु झरार व्यवहार आवश्यकता रही आठ दसटा जगार जिते आपणकर टांकी जिया खत थी स्तर स्तर करढ़ी गोटे जगार आपड़ हिप मेथड्रे गोटे गदा कर गोटे गोटे जगार आपत रखिए देखिए गोटे दिन छाड़देला आप देखिए से जिया गुड़िक सब तल स्तर को पिंडुला भाया होकर सबुजाक जिया एकाठी हो गोटे पिंडुला आकार से तल को चली जाए तो आपण तापर कौन करिवे से जो गदा करके रखिंट से ऊपर भागर धीरे धीरे जिया खत को नेबे अमल करिवे एमती करी करी जो शेष पर्यायर आप देखिए जो जगार जिया गुड़िक सब एकाठी हो पिंडुला होकर तले रही थे से जियाटी को आणिकी पुणी थे जिया खत टांकी रखिए जो मैंने कि पुणी थे से माने पुणी आपड़े जिया खत प्रस्तुत करेंगे से समय से जिया से काम लग तेणु ताकु रखिदेवे जिया खत कल्चर टांकी रे एवं एइबोली भाबरे सबु जिया खत को अमल करि साला परे ताकु कोन करिवे गोटे जगार आपण छाई जगार सुखई देवे सुखई देला परे तापरे कोन करिवे से जिया खत को चालुणी जो व्यवहार करा जाउची जो थरे आपण बाली चलाउचंती सेई चालुणी रे जिया खत को पकेकिरे तादेरे आपण चलेई देवे चलेबा द्वारा कोन हबो आपणकर जो जो जियार खोसा छोटो जिया जो माने सब रही जाइथिबे से माने आपणकर जिया खतरु बाहरी गले से गुड़िक पुणी थरे आपण नेकिरि जियार जो कल्चर टांकी करथिबे से कल्चर टांकी रे पकेई देबे जिया खत चाष करबा द्वारा आपण जिया खत तो बिक्री करिवे एक तो आपण परिवेश को सुस्थ रखुचंती ता सहित माटीर उर्वरता शक्ति मध्ये भल रहउची ता सहित आमर पनीपरिबा फलर गुणात्मक मान बढ़ुची एई भली भाबरे आपण सबुजाक जिया खत को अमल करिवे बस्तारे ताकु पैकिंग करिवे से समय आपण बेलचार साहाज्य मध्ये नै परिवे बेलचा द्वारा ताकु नै गिरी आपण बस्ता भितरे ताकु पुरी परिवे तापर आपणकर बस्ता पैकिंग हे साला परे सिलेई मशीन मध्ये आसुची जोथरे कि आपण बस्ता टिकु सिलेई करि परिवे तेणु एइभली भाबरे करिकिरि जदि आमे बस्ता उपरे निजर लेबल मनेकर गोटे स्वयं सहायक गोष्ठी जिया खत प्रस्तुति करचोंदी तो तांकर स्वयं सहायक गोष्ठींकर ना देबे जिया खत को परीक्षा करिकिरि सेथिरे केते परिमाणर पोषक तत्व रहिछि जवक्षार जान केते फस्फरस केते पोटास केते ए सबुथिर विवरणी मध्ये सेथिरे देबे निजर आड्रेस देबे फोन नंबर देबे एइभली भाबरे जदि जिया खतटा को गोटे व्यावसायिक भित्तिर आमे चिंता करी ताकु पैकिंग करी बस्ता भाव में ताकु विभिन्न जगार बिक्री करवा ताले आमे निश्चिंत भाव में लाभवान हो पारिबा ता सहित आमे आकु जदि व्यावसायिक भित्तिर देखिबा सेथिरे आपण जिया खतटी को किलो 15 टंका हिसाब से बिक्री करि परिबे एवं जिया को जदि बिक्री करिया पई मध्ये चाहिबे ताकु किलो 500 टंका हिसाब से आपण जिया बिक्री करि परिबे तेणु आमे जदि एई जिया खतटा को गोटे व्यवसायिक भित्तिर करिबा ताले निश्चिंत भावरे आमे एथिरु अधिक ये करि परिबा लाभवान हेई परिबा एबे एवं अमल करि सारला परे ताकु आपण बैग भितरे पैकिंग करिकिरि ताकु बिक्री करि परिबे निजर
माने लेबल देकरी आपण ताकु जिया खत को बिक्री करि परिबे तापरे आपण पूर्ण थरे वर्तमान जिया खत अमल हेगला अमल हो सारापर बहुत समय कौन हुए आम देखु जे चाषी भाई मैंने थे जिया खत अमल कर सारापर पुणी आम परेश सुस्थ रखिपर एवं मटीर स्वास्थ्य को मध्य बजाय रखिपर सुस्थ रखिपर आपण समस्या कि मतामत को आम निःशुल्क फोन में निश्चय पचारत समय अपराह चार पांचटा आ नंबर है 1800-4192-155 समय इशारा देला कार्यक्रम को ये रखु कल आउ कि नुआ तथ्य नहीं करसबू देखा जमार भूलबेनि ठीक यही समय रे विदाय दिंतु नमस्कार।